नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार धार जिले में अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में जिले भर में अपने अपने वार्डों में खड़े हुए प्रत्याशी एवं पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए अनेक लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। धामनोद नगर परिषद के 15 वार्डों में भी परिषद चुनाव की स्थिति रोचक नजर आ रही है। इसी कड़ी में धामनोद के वार्ड क्रमांक 11 से निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही महिला प्रत्याशी के द्वारा वार्ड वासियों के लिए किए गए वादे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गए हैं और उन्होंने बड़े बड़े धुरंधर राजनेताओं को भी चुनावी वादा करने में पीछे छोड़ दिया है। दरअसल धामनोद के वार्ड क्रमांक 11 से भाजपा की ओर से अनीता सुरेश सर मैदान में है तो कांग्रेस की ओर से लीला कृष्ण चंद्र पाटीदार चुनावी मैदान में है। इन्हीं दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच भाजपा के बागी प्रत्याशी माया श्याम पाटिल ने भी वार्ड क्रमांक 11 से निर्दलीय रूप से केक रूपी चुनाव चिन्ह से अपना दावा क्षेत्र में ठोका है। ऐसे में उनके घोषणा पत्र में ऐसे बड़े बड़े दावे किए गए हैं जिनको सुनकर जानकर हर कोई हैरान है। उन्होंने वार्ड के विकास की योजनाओं के अलावा प्रतिवर्ष अपने वार्ड वासियों के लिए सामूहिक मुफ्त में स्नेह भोज, महिलाओं को समूह में घर की सामग्री के लिए 50,000 रुपये का लोन, प्रतिवर्ष तीर्थ स्थलों पर मुफ्त यात्राएं और वार्ड वासियों के संपत्ति करों में माफी के साथ ही प्रतिमाह सभी का हेल्थ चेकअप जैसे लोक लुभावने वादे कर वे चर्चा में आ गए हैं। लोगों की माने तो वार्ड प्रत्याशी के यह वादे कैसे पूरे होंगे इसमें संशय है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार माया पाटिल के पति श्याम पाटिल, जो पूर्व में नगर भाजपा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, के अनुसार उनके द्वारा किए गए सभी चुनावी वादे जीत के बाद विभिन्न योजनाओं के तहत नगर परिषद के माध्यम से ही पूरा करेंगे। इसके अलावा वे संपन्न परिवार से हैं, ऐसे में तीर्थ यात्राएं और भोजन इत्यादि का वर्ष में एक बार प्रबंध करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर वार्ड में जनसंपर्क पर जाने पर उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है, ऐसा उनका दावा है और उन्हें सफलता भी प्राप्त होगी। निर्दलीय उम्मीदवार माया श्याम पाटिल के लोक लुभावने वादों से जहां क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, वहीं दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार भी इनके इन वादों से असमंजस की स्थिति में है। अब देखना होगा क्षेत्रवासियों को निर्दलीय प्रत्याशी के वादों पर कितना यकीन है या दोनों पार्टियों में से कोई उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज कराएगा। अब वार्ड 11 के प्रत्याशी पति आपका संकल्प पत्र है, क्या पूछे उसमें आप कैसे पूरा करेंगे? प्रत्याशी माया श्याम पाटिल, वार्ड क्रमांक 11, निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। जो मैंने संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प पत्र में जो मैंने बिंदु दर्शाए गए हैं, उसमें सीमेंट कंक्रीट रोड हो, चाहे वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन हो या फिर सकरी गलियों में पेवर से लगाने वाली बात हो, इनके मैं सभी बातों पर मैं खरा उतरूंगा। जो मेरा संकल्प पत्र है वो अधूरा नहीं रहेगा, 5 साल के अंदर मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। कुछ वादे उसमें तो जनहित के मुद्दे भी हैं, कुछ अपनी तरफ से भी लुभावने वाले भी जिन्हें कह सकते हैं, जैसे आपने कर्ज माफी, संपत्ति कर माफ करने की बात कही है, एक खाने का हर महार बताया गया है, इनका आप खर्च कहाँ से वहन करेंगे? देखिए, संपत्ति कर का मामला है तो संपत्ति कर तो नगर पंचायत में जो करप्शन हो रहा और करप्शन जो हो रहा उसमें उसको सेटल करके मैं संपत्ति कर को जो 2023 तक का जो संपत्ति कर और जल कर है उसको पूर्ण रूप से माफ करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और उस पर मैं खरा उतरूंगा। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का क्या कुछ चीज में संकल्प पत्र को लेकर आपको भरोसा दिलाया जा रहा है? जनता वार्ड क्रमांक 11 की जनता मेरे साथ में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे चुनाव चिन्ह केक की बटन दबाकर पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। संकल्प पत्र में एक तीर्थ योजना, उग्रेश्वर धाम, शिवमोर का और ओंकारेश्वर वगैरह बताए रहे हैं, वो खर्चों को आप कहाँ से वहन करेंगे और क्या वो भी पूरा करेंगे? उसमें भाई साहब क्या है कि मैं घर से इतना साधन संपन्न हूँ कि कभी 500 व्यक्ति भी उज्जैन, ओंकारेश्वर या कुबेर धाम ले जाने के लिए मुझे तैयार हो जाएंगे तो मैं मेरे जेब के पैसे से वहन करके इनको तीर्थ दर्शन करवाऊंगा। आपका मुख्य व्यवसाय क्या है? मेरा मुख्य व्यवसाय कृषि है।